नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बद्दी के दशहरा ग्राउंड में ब्लास्ट होने की खबर है। ये ब्लास्ट बारूद में आग लगने के बाद हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही जोरदार धमाका हुआ तो आसपास के घरों के शीशे टूट गए। नगर परिषद अध्यक्ष टीम समेत मौके पर पहुंची तो एसडीएम से बहस करने लगी। इस बाबत एसडीएम ने उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। दोषियों में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी संजीव ठाकुर, गोलू नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूर्व उपाध्यक्ष का पति शामिल है। एसडीएम ने बताया कि ब्लास्ट मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि जहां ब्लास्ट हुआ है वहां दशहरे पर होने वाले कार्यक्रम हेतु पुतले बनाए जा रहे हैं। शायद इसी कारण यहां ब्लास्ट हुआ और लाखों रुपए का नुकसान हुआ। पिछले कल यहां आरएसएस ने विजयदशमी पर्व मनाया था। यदि तब यह हादसा होता तो कुछ भी हो सकता था। बद्दी से हमारे संवाददाता शांति गौतम की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।